हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, खमागणी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल विनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। दोस्तों, आज मैं यहां पर खड़ा हूं, ये है मंगलम सिटी और गोविंद सरोवर जेडी अप्रूव्ड है। और यहां पर आज मैं, आप देख सकते हो, 118 मंजिल का ये जेडी अप्रूव्ड डुप्लेक्स है, ये विजिट कराने के लिए आया हूं। और अगर डिस्टेंस वाइज बात करें तो रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन से ऑलमोस्ट डिस्टेंस यहाँ से 12 किलोमीटर पड़ेगा। वहीं पे अगर 200 फीट बाईपास अजमेर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से बात करें तो हार्डली 2 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगा। और मेन कालवा रोड से अगर अंदर डिस्टेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगा। और जेडीए अप्रूव्ड है, 90% लोनेबल है। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलते हैं बिना देरी के वीडियो को आगे की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है 4 डुप्लेक्स उन्हीं के अंदर से। ये आप देख सकते हैं 118 वर्ग गज का ये सेमी डुप्लेक्स है। और अगर मेजरमेंट की बात करें तो फ्रंट है इसका 18 और 118 गज का ये डुप्लेक्स है। तो अभी चलते हैं, ये आप देख सकते हैं इसकी रैंप है। और सामने की तरफ ये आप देख सकते हैं पार्किंग एरिया है, सफिशियंट पार्किंग है। आप देख सकते हैं 4-व्हीलर इजी वे में खड़ा हो सकता है। इसी के साथ में आप यहां पर देख सकते हैं 2-व्हीलर्स आराम से खड़े हो सकते हैं। इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये एक बिग स्पेसियस, काफ़ी स्पेस है बाहर खड़ा करने के लिए। वहीं पर अगर आप देख सकते हैं ये बाहर से जीना है जिसमें स्टील की रेलिंग है और ग्रेनाइट का जीना है। इसी के साथ में अगर हमने एंटर किया तो एंटर करते ही आप देख सकते हैं गुड, बहुत ही बेहतरीन शानदार एक ब्यूटीफुल हॉल दिखाई देगा, जबकि ऊपर फॉल सीलिंग दी हुई है, फॉल सीलिंग में फॉग लाइट्स है। और इसी के साथ में एक वॉल है जो कि आप देख सकते हो, यह है रॉयल प्लेमेंट डिजाइन की भी है। और इसी के साथ में आप देख सकते हो ये डोर बहुत ही शानदार क्वालिटी के हैं। यहीं पे आप देख सकते हो ये है विंडो। और इसी के साथ में आप देख सकते हो ये है टीवी शोकेस और टीवी पैनल्स यहाँ पे लगाया जाता है। इसके साथ में एसी फिटिंग है यहाँ पर। और इसी के तरफ देखते हैं, अगर बैक साइड की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं मास्टर बेडरूम, बहुत ही शानदार 10x12 साइज का है ये। और ऊपर देखिए तो आप देख सकते हो ये है फॉल्सिंग और ट्यूबलाइट वगैरह फॉगलाइट्स लगाई हुई है, फैन लगाए हुए हैं। और यहाँ आप देखिए तो ये वुडन में काम किया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं अलमेरा वार्डरोब लगाया हुआ है। इधर आप देख सकते हैं ये पीछे की तरफ विंडो की भी है। और ये 2 पल्ले का गेट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं जाली का, और शीशे की दोनों खिड़कियां लगाई गई है। इसी के सामने पीछे की तरफ देखिए तो ये है पार्क। इसी के सामने आप देख सकते हैं बैक साइड के अंदर 2 रूम है, और 2 रूम है जो कि आप देख सकते हैं ये एक मास्टर बेडरूम है। और मास्टर बेडरूम के अंदर अगर आप देखें तो वही सेम वॉल सीलिंग दी हुई है, फैन लगाया हुआ है। और ये आप देखें तो यहाँ एसी फिटिंग है। इसी के साथ में रॉयल प्लेन डिजाइन है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्रेसिंग टेबल यहाँ पर दी हुई है। और इसी के साथ में अटैच बाथरूम है, ये है बाथरूम अटैच सिंगल पीस। और इसी के साथ में वॉश बेसिन दिया हुआ है। और ये सैनिटरी फिटिंग है, शॉवर वगैरह सब लगाए हुए हैं। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं पीछे बैल्कनी अटैच गैलरी है। और इसी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टोर दिया हुआ है और सिक्योरिटी के लिए ये जाल लगाया हुआ है। इस तरह से ये आप देख सकते हैं पूरा ये सिंगल जो ग्राउंड फ्लोर का था, इसी के अंदर आप फ्रंट साइड के अंदर बाथरूम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेहतरीन ब्यूटीफुल एक वॉश बेसिन है, आप देख सकते हैं ये बेहतरीन ब्यूटीफुल एक वॉश बेसिन। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये है किचन, एक शानदार किचन है जिसमें पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह सब लगाया हुआ है और ये सैनिटरी वगैरह फिटिंग की हुई है। इसी के अंदर आप फुल मॉड्यूलर किचन है ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये चिमनी लगाई हुई है और ऊपर आप देख सकते हो फॉल्सिंग वगैरह सब दी हुई है। सामने वास्तु के अकॉर्डिंग ये बनाया हुआ है नॉर्थ फेसिंग में। और ये था ग्राउंड फ्लोर, अभी हम चलते हैं ऊपर।
फर्स्ट फ्लोर की तरफ ये आप देख सकते हैं स्टील की रेलिंग है, ग्रेनाइट का जीना है और ऊपर सेमी डुप्लेक्स है, ऊपर एक रूम बनाया हुआ है। और तो अभी मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। इससे पहले ये अगर हम बात करें इस मकान की तो ये है 118 वर्ग गज, जिसके अंदर 18 के फ्रंट में है। और अगर कीमत की बात करें तो 45 लाख में है, नेगोशिएबल है ये। तो अभी चलते हैं हम ऊपर। अगर आपको अगर इंटरेस्टेड हैं आप तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप साइट विजिट के लिए आ सकते हैं। तो चलते हैं हम। अभी हम आ चुके हैं टेरेस पे और अगर आप पीछे की तरफ देखें तो ये है JDA का पार्क। इसी के जस्ट पीछे की तरफ ये JDA का पार्क है और ये पूरे फ्लैट्स वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पर देखें तो आप ये क्रिकेट एकेडमी है और इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये है सेमी डुप्लेक्स। ऊपर एक बेडरूम ऊपर बनाया हुआ है जो कि फ्रंट साइड की तरफ जो किचन थी उसके ऊपर बनाया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं ये है बाथरूम जो कि वेस्टर्न टॉयलेट है। इसी की तरफ आप देख सकते हैं ये है फ्रंट साइड का जो बेडरूम। और अगर आप देखें तो ये वार्डरोब बनाई हुई है जो कि ऊपर भी आप देख सकते हैं। और ये रॉयल फ्ले में डिजाइन दी हुई है, ऊपर फुल सीलिंग की हुई है, एक फैन दिया हुआ है। और अगर हम बात करें ये है बालकनी जो एक स्पेसियस बिग स्पेसियस बालकनी है। ऊपर देखें तो ये है आपका वुडन कलर के अंदर कलर दिया हुआ है। और इसी के साथ में अगर आप जाली देखते हैं ये तो ये पत्थर के अंदर जो शानदार एक डिज़ाइन में जाली दी हुई है। और अगर सामने की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं पूरे मंगलम सिटी के पूरे मकान बने हुए हैं। तो अगर दोस्तों ये मकान कैसा लगा कमेंट कीजिए, साथ ही अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।